तो देखिए, आज का जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, अब आप लोग का एग्ज़ाम आ चुका है, जो हमारे स्टूडेंट 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप किसी भी बोर्ड से हो, अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। यदि आप बिहार बोर्ड से हैं, तो आपका स्टार्टिंग फरवरी में ही एग्ज़ाम होने वाला है। यदि आप यूपी बोर्ड से होंगे, तो आपका मार्च में होने वाला है, 20 मार्च के बाद से होगा। एमपी बोर्ड से होंगे तो फरवरी में होगा, झारखंड बोर्ड से होंगे फरवरी में होगा, यानी सभी बोर्ड का फरवरी और मार्च के बीच में एग्जाम होने वाला है। तो अब हम आपसे सजेस्ट करेंगे कि आप लोग जो पढ़ते हो ना, अब आप लोग न्यू न्यू चीज़ को पढ़ना धीरे धीरे कम करिए, अब न्यू चीज़ों को सीखना बंद करिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम आ गया। अभी तक आपने ठीक इसके पीछे 2, 10 से 11 मंथ टाइम आप दिए हैं अपने पढ़ाई पर, उन सब चीज़ों को अब रिवीजन करना शुरू करिए, क्योंकि रिवीजन ही अब जो पीछे मेहनत की हो वो रंग लाएगा। अब रिवीजन नहीं करेंगे और सोचेंगे कि अभी तक न्यू न्यू चीज़ सीखते चले जाए, पीछे का रिवीजन नहीं करेंगे, तो पढ़ा हुआ भी सब बेकार का हो जाएगा। इसलिए आप लोग से सजेस्ट करेंगे कि अब आप लोग रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, या मैथ हो, या हिंदी हो, या इंग्लिश हो, जो आप पीछे तैयार की हो उनको रिवीजन करना शुरू करो, क्योंकि पीछे जो पढ़े हैं आप, वो भी धीरे धीरे भूल गए होंगे। ऐसा थोड़ी है कि एक बार पढ़ ले तो याद हो गया होगा, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता है, सबको रिवीजन करना पड़ता है। तो पीछे जो पढ़े हो वो सारे चीज़ को रिवीजन करना शुरू करो, उसके बाद टाइम जो बचता है थोड़ा बहुत न्यू चीज़ को सीखो, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है तो, ठीक है। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आपका एक दो चैप्टर बच भी गया हो, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा टाइम देकर के उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, लेकिन उससे कहीं बेहतर है जो पीछे पढ़े हो उन सब चीज़ों को रिवीजन कर देना, क्योंकि पीछे का टाइम बर्बाद नहीं होगा। नहीं तो 10 से 11 महीने टाइम आप दिए थे और लास्ट में रिवीजन नहीं करेंगे तो सब बेकार हो जाता है। बहुत सारे हम देखते हैं स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्जाम तक न्यू न्यू चीज़ को सीखते हैं, अरे भाई वो सब कुछ काम देगा? कुछ नहीं काम देगा, वो भी भूल जाओगे, लेकिन पीछे जो मेहनत दिए हो, मेहनत किए हो, वो आज रिवीजन करने लग जाओगे, 1 मंथ तो लग ही जाएगा, क्योंकि 10 से 11 महीना जो मेहनत किया गया है उसको रिवीजन करने में तो 1 मंथ आराम से लग जाएगा। तो उन सब चीज़ों को 100% अब कर लो, क्योंकि अब टाइम आ गया है जो मेहनत पीछे किए हो उसको रिजल्ट दिखाने के लिए, ठीक है। तो आपको ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग अब मतलब तैयार हो जाइए रिवीजन करने के लिए। बहुत सारे बच्चे हम देखें रिवीजन नहीं कर रहे, इसलिए हमारा आज का वीडियो ये था कि रिवीजन पर ही बना दे, ताकि आप लोग को सूचना मिल जाए कि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। न्यू चीज़ों को सीखना बंद करिए, पीछे के चीज़ जो पढ़े हैं उनको 100% फोकस करिए और उनको तैयार करिए। और साथ में आप लोग मॉडल पेपर जो आया है या क्वेश्चन बैंक है उनको तो 100% पढ़ देना, एक भी क्वेश्चन बैंक का और मॉडल पेपर का क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, सभी क्वेश्चन को फिजिक्स केमिस्ट्री में रट जाओ। अब समझने का टाइम तो है नहीं, अब किसी तरह आपको रट जाना है। बिहार बोर्ड से होंगे तो आपको तो ऑब्जेक्टिव और साथ में क्वेश्चन की संख्या जो दोगुना है, तो आप लोग को तो बहुत आराम है, आप आराम से 100 में 100 ला सकते हो, थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। मान लो 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, एक तो बन जाएगा, लेकिन अदर बोर्ड में उनको मेहनत करना होगा, ठीक है, क्योंकि उन लोग का ऑप्शन में नहीं है, एक है तो एक ही बनाना है। तो कोई बात नहीं, मेहनत करिए, सब कुछ हो जाएगा। तो न्यू चीज़ को पढ़ना अब बंद कर दीजिए, जो पीछे पढ़े हो उसको रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो बस यही था आपको आज इस वीडियो में बताने के लिए, वीडियो को समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच।